नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अनknowntech में स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। जितने भी ई कॉमर्स साइट होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजोन, नींत्रा, ये सब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले CodeIgniter का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड और सेटअप कर लें अपने पीसी पे। तो चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे। ये मेरा खुद का ई कॉमर्स साइट है, ये देखिए। मैं एक ऑलरेडी कार्ड भी कर चुका हूँ, क्लासिक शूज, इसे मैं चेकआउट किया। और दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं चेकआउट करते हैं, बाय डिफॉल्ट में इंस्टामोजो पेमेंट बुकिंग सिलेक्टेड है और क्लासिक शूज 500 प्राइस प्लेस ऑर्डर। तो दोस्तों प्लेस ऑर्डर करने से पहले कुछ लाइब्रेरी इंस्टामोजो के डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलते हैं इंस्टामोजो की लाइब्रेरी में। तो दोस्तों इंस्टामोजो की लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है। इंस्टामोजो की लाइब्रेरी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। इंस्टामोजो PHP API, दोस्तों API ये जो लिंक दिखा रहा हूँ मैं आपको, यूजेस देखिए, इस यूजेस में देखिए दो पैरामीटर पास हुई है API की और अर्थ टोकन, और इस पैरामीटर में तीन पैरामीटर पास की गई है, API की, हॉट टोकन और ये थर्ड URL, टेस्ट URL क्या होता है, सेंड बॉक्स, उसके हिसाब से आप इसे टेस्ट कर रहे हो अपने साइट पे। जब ये साइट कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसे इस URL को हटाकर आप सीधे लाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लोन और डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड जीप पे क्लिक करिएगा। लाइब्रेरी डाउनलोड होने के बाद आप व्यू फोल्डर के अंदर SSC फोल्डर रख दीजिएगा। इसके बाद आप कंट्रोलर को ओपन करिएगा। मैं test.php को ओपन किया, देखिए। तो सबसे ऊपर में कंस्ट्रक्ट फंक्शन के अंदर वेरिएबल दिस लोड व्यू src instamozo.php को मैं कॉल किया, ताकि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो सबसे पहले ये src फोल्डर के अंदर जो instamozo फाइल है वो लोड हो। अब चलते हैं अपने पे ऑनलाइन फंक्शन में। जैसे दोस्तों पर्पस, अमाउंट, नेम, ईमेल, इनपुट टाइप के वैल्यू को मैं स्टोर किया। इसके वजह से मैं अपना जो भी डिफाइन किया API की जो instamozo के अकाउंट में मिलती है और टोकन भी मैं दिया, इसके वजह से मैं बेस्ट फंक्शन को कॉपी पेस्ट किया जो मैं लाइब्रेरी में भी को मिला था। इसके बाद देखिए ट्रैक के हिसाब से रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर API पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट एरे के अंदर पर्पस, अमाउंट, बायर नेम, फोन नंबर दिया, ये मेरा फोन नंबर है, सेंड एसएमएस ट्रू किया, ईमेल जो भी मैं ईमेल दूंगा वो आएगा, रिडायरेक्ट URL, देखिए स्टेटस चेक। इस फंक्शन में मैं क्या किया हूँ, इस फंक्शन में मैं देख रहा हूँ कि क्या रियली में कोई पेमेंट हुई है। अगर पेमेंट फेल होती है तो रिडायरेक्ट टू पेमेंट फेल, अगर पेमेंट क्रेडिट होती है तो रिडायरेक्ट टू सक्सेस पेज। तो चलते हैं अपने व्यू पेज पे। ये रहा दोस्तों, तो अब मैं करता हूँ प्लेस ऑर्डर। देखिए मैं प्लेस ऑर्डर कर रहा हूँ, देखिए पेज रीलोड हुई, ये देखिए test.instamozo.php जा रही है, मतलब कि ये टेस्ट अकाउंट पे जा रही है। अब मैं क्लिक करता हूँ डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड क्लिक करने पे ATM नंबर और एक्सपायरी डेट भी चाहिए मेरे को, तो डमी नंबर मिलेगा मेरे को यहाँ से। आप इस जगह पे डिटेल्स, टेस्ट और सैंडबॉक्स अमाउंट पे क्लिक करिएगा, क्लिक किया, क्लिक करते हैं साथ ही साथ आपको एक नंबर मिलेगी, ये रहा मेरा ATM नंबर, डमी ATM नंबर, क्लिक किया। अब दिया मंथ, मैं मंथ देता हूँ, एक ईयर में दिया 25 और मैं दिया 1211, यह है CVV नंबर 111 दिया। अब मैं इसे पे करता हूँ, देखिए दोस्तों पे कर देते हैं, ऑटोमेटिक मेरे पेज अकाउंट में जा रही है। अब बोला 3D पासवर्ड है
1221. देखिए दोस्तों पेमेंट हो चुकी है, देखिए दोस्तों पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट सक्सेस, थैंक यू अननोन टेक, पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव, पेमेंट आईडी दिस एंड पेमेंट रिक्वेस्ट आईडी दिस। अब चलते हैं अपने ईमेल सेक्शन पे, ये रहा ईमेल, देखिए मैंने रिक्वेस्ट किया था 500 रुपये का, वो भी आ चुकी है, पेमेंट पेड हो चुकी है। अब एक PDF भी अटैच चाहिए कि मैंने अननोन टेक को मैं 500 रुपये दिया विथ PDF के साइड। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।